गुड मॉर्निंग। अब देखिए, हम लोग आज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के उनके लिए, और बीएससी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसमें एक पार्ट और है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी है, लेकिन अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, आपने कक्षा 12th में इनको आपने पढ़ा होगा, वहां पर ट्रेपेजॉइडल रूल्स और सिम्पसन रूल्स के नाम से आपने वहां पढ़ा है। हम भी वही चीज पढ़ रहे हैं यहां पर। हम यहां पर ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ेंगे, और देखिए इनकी सहायता से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे हमारे पास फंक्शन y0, y1, y2, y3 और ये डैश 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 yn तक दिया गया है। यहां yn माइनस 1 ले लेते हैं, यहां yn ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल्स। तो देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल्स हमारे पास, हमने इसको लिखा है acbfx, जो फंक्शन है उसको हम a से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये h/2 y0 yn, मतलब क्या किया, यहां पर पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को दोनों को हमने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर 2 times बाकी जितनी भी वैल्यू बची y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 yn-1, इन सब सारी वैल्यू को हमने क्या क्या यहां पर ऐड कर दिया और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर h जो है वो b-a upon 2n, n क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स है, कितने आपको इंटरवल्स दिए गए हैं वो आपको n बताता है यहां पर। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स की सहायता से हम यहां पर क्या करेंगे, n की वैल्यू की सहायता से, a और b तो अपने पास गिवन होगा, दिया होगा, तो हम h की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला आपको ट्रेपेजॉइडल रूल्स याद रखना है, आपने पहले भी किया है, उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है देखिए सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल, यहां पर देखिए a to b fx dx h/3 हो जाता है यहां पर, और y0 yn मतलब पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को हमने यहां पर ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए यहां पर हमने दो दो के डिफरेंस से y1 y3 के बाद y5 y7 y8, ये n-1 तक जाएंगे, हम यहां तक जाएंगे, और उसमें 4 times मतलब जो ऑड वैल्यू है इसको ऑड वैल्यू में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस y2 y4 y6 y8 yn-2, इससे एक पहले आएंगे हम यहां पर, और यहां सारी इवन वैल्यू है। तो कुछ किताबों में इसको इस तरह भी लिखा है y0 yn plus 4 times odd term या odd value odd term plus 2 times even terms, इस तरह से भी लिखा हुआ। तो ये हमारे पास सिम्पसन 1/3 का रूल है। यहां पर भी h की जो वैल्यू है -b/a/2n, यहां पर n नंबर ऑफ इंटरवल्स है। फिर देखिए सिम्पसन 3/8 रूल, a to b fx dx y0 yn, वही देखिए पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू हमने ऐड कर दी है। फिर यहां पर देखिए 3 का डिफरेंस लिया हमने यहां पर y1 के बाद y4 के बाद y7 आ जाएगा, इसमें y7 के बाद y10 आ जाएगा, फिर देखिए y2 के बाद y5 आ जाएगा, y5 के बाद y8 आ जाएगा, y8 के बाद y11 आ जाएगा, इसमें क्या क्या 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का डिफरेंस लेना है, y1
वाई वन के बाद वाई फोर, वाई फोर के बाद वाई सेवन, वाई सेवन के बाद वाई टेन, यहां देखिए वाई टू से स्टार्ट करेंगे, वाई टू, वाई फाइव, वाई एट, वाई इलेवन, इस तरह से इंटू टू वाई थ्री। देखिए वाई थ्री के बाद फिर तीन का डिफरेंस लिया, वाई सिक्स, वाई नाइन, इस तरह से हम लेकर वहां पर टू का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर भी एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन टू एन है। तो आपने देखा कि हमारे पास ये तीन इंटीग्रल फार्मूले हैं, एक फार्मूला और है बेडल का फार्मूला, बेडल्स का फार्मूला, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी हम वैल्यू निकालते हैं। अभी हम आपको सिर्फ तीन फार्मूले से सवाल को हल करके बताएंगे। देखिए बहुत सी किताबों में यहां पर लिखा हुआ है एक्स जीरो प्लस एक्स एच, और यहां पर एक्स जीरो से लेकर एक्स एक्स प्लस एच, यहां पर आपका जो है एच की वैल्यू कुछ दूसरी तरह से डिफाइन की गई है, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां एन आया है, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरवल होंगे, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है वेयर एन इज द नंबर ऑफ इंटरवल। ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आते हैं, इनको हमको किस तरह से सॉल्व करना है ये ध्यान रखना है। आपको सिर्फ कैलकुलेटर निकालना है और कैलकुलेटर से इनके प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो इसके सवाल मैं आपको करवाता हूं, देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज ट्रापेज़ॉइडल रूल से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन है सीधा। तो देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम दिया गया है, इवेल्युएट 0 टू 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रापेज़ॉइडल रूल से, इसी सवाल को सिम्पसन 1/3 रूल से, फिर सिम्पसन 3/8 रूल से करना है। और देखिए यहां पर जो फंक्शन है वो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहां पर ए की वैल्यू 0 दी गई है और बी की वैल्यू 6 दी गई है। हियर नंबर ऑफ द इक्वल इंटरवल नॉट गिवन, यहां पर आपके पास इंटरवल नहीं गिवन है। तो आपने क्या किया, नाउ वी टेक एन इक्वल टू 6 मान लिया, देन एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन लिखा जा रहा है। यहां ध्यान दीजिए, यहां मैंने फार्मूले में 2n लिखा है। आपको जब मैंने ट्रापेज़ॉइडल रूल बताया, सिम्पसन 1/3 रूल बताया, सिम्पसन 3/8 रूल बताया, तो आपने वहां पर फार्मूले में एच अपॉन बी माइनस ए अपॉन 2n लिखा है। आप 2n भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे तो वाई जीरो, वाई वन, वाई टू अप टू डैश 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 वाई टू एन तक जाएंगे आप। अगर आप यहां पर n लिखते हैं तो वाई एन तक जाएंगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप 2n इंटरवल लेते हैं कि n इंटरवल लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए हमने n इंटरवल लिया है, तो इसलिए हमने यहां पर n लिखा है। देखिए 6 माइनस 0 अपॉन n की जगह यहां पर 6 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप देखेंगे यहां पर ट्रापेज़ॉइडल रूल, हमारे पास यहां पर x इक्वल टू 0 लिखा है, पहली वैल्यू हमने 0 इंटरवल लिया है, 6 पार्ट, 1 एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, तो 6 जो पार्टीशन है वो हमारे पास 6 इंटरवल है, हमने उसको 6 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब देखिए आप इसको n इक्वल टू 4 भी ले सकते थे, n इक्वल टू 5 भी ले सकते थे, n इक्वल टू 6 भी लिए, अपन ने 6 लिया है, n इक्वल टू 7 भी ले सकते थे। अगर कुछ डिसाइड नहीं है तो कम से कम n इक्वल टू 5 या 6 इंटरवल हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे हमने यहां x इक्वल टू 0 रखा पहली वैल्यू, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 प्लस 0 इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड वैल्यू देखिए, हमने यहां पर n इक्वल टू 1 रखा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5।
फिर नेक्स्ट वैल्यू देखिए, हमारे पास 1/2 रखा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1/5 तो कितना आएगा 0.2। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू देखिए। नेक्स्ट टाइम यहां पर एक्स की वैल्यू 3 रखी हमने, तो 1/1 + 9 = 1/10 और ये वैल्यू 0.1 आ गई। इसी तरह से हमने नेक्स्ट वैल्यू देखिए, 1/1 + 4 मतलब 16, 1/17 इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 0.0588 के लगभग आ जाएगा। इसी तरह से x = 5 रख के ये हमने fx की वैल्यू निकाल दी, n = 6 रख के ये fx की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास y0, हम इसको y0 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं, इसको y4, इसको y5 मान लेते हैं, इसको y6 मान लेते हैं, आपके ऊपर है। आप इसको y1 भी मान सकते हैं, y2 भी मान सकते हैं, y3 भी मान सकते हैं, y4 भी मान सकते हैं, y5 भी मान सकते हैं, y6 भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है जो आप मानेंगे। जैसे आपने y0 माना है, मैंने फार्मूले में आपको y0 लिखाया, तो आप ध्यान दीजिए y0 पहली वैल्यू और अंतिम वैल्यू इन दोनों को जोड़ दिया है ट्रेपेज़ॉइडल रूट्स में, h/2 y0 + y6। और यहां पर एक पूरी वैल्यू देखिए 2 times y1 + y2 + y3 + y4 + y5। अब इनमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, पहले y0 की वैल्यू पुट कर दी, फिर y6 की वैल्यू पुट कर दी, 2 times y1 की वैल्यू पुट कर दी, y2 की वैल्यू पुट कर दी, y3, y4, y5 की वैल्यू पुट कर दी। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए इन सबको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.027 पहली वाली वैल्यू। सेकंड वैल्यू देखिए कितना हो गया हमारे पास, 0.0588, 0.0385, 0.1, 0.2, 0.5, तो ये हो गया 3, 7, 9, 7 और 1 8, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया अपन ने तो 2, 3, 6, 2, 7, 4, 2, 9, 8, 9, 16, 7, 1.76 समथिंग आ गया, 1.7946। तो देखिए इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया 12, 8, 2 point something आ गया। और इसको हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में ये h की वैल्यू 1 आ गई तो ये 1/2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए जब 1/2 से हमने डिवाइड किया तो ये इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.4108 समथिंग आ जाएगा। तो ये देखिए हमने ये वैल्यू जो निकाली है, ये हमने निकाली विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी ट्रेपेज़ॉइडल रूल से निकाली है। अब हम सेकंड लेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो देखिए सिम्पसन वन थर्ड रूल में हमारे पास, इसको देखिए हम मिटा देते हैं यहां पर सेकंड मेथड जो हमने यूज कर रहे हैं वो सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब देखिए यहां पर बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल, अब ये जो फार्मूला है यहां पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहां सिम्पसन वन थर्ड रूल का फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला एक बार देखिए क्या है, इसको अपन चेक करते हैं फार्मूले को। देखिए ये फार्मूला है 4y1 + y3 + 2y2 + y4।
ये इस तरह से देखिए फार्मूला है हमारे पास, ये सारा फार्मूला हम क्या करते हैं, ये उठाकर y0 जीरो प्लस वाई सिक्स फोर टाइम वाई वन प्लस वाई थ्री और ये y2 टू वाई फोर वाई टू वाई टू वाई फाइव, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। यहां पर ये ऑड वाली चीज ये ऑड वाली चीज आएगी, यहां पर ये इवन आ जाएगी। देखिए यहां तक हम इसको लिख दे रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी y0 की y6 की प्लस 4 y1 y3 डैश 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 सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। इतना ध्यान रखिए इसमें कोई भी वैल्यू एक ही बार में आएगी, दूसरी बार उस वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू की इसको हम जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर देखिए फोर टाइम वाई वन, वाई वन क्या हुआ 0.5 प्लस वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू देखिए 0.01 प्लस टू, वाई टू की वैल्यू देखिए 0.2 प्लस वाई फोर की वैल्यू देखिए 0.0588। ये हमने y1 की वैल्यू रख दी 0.5, y3 की वैल्यू 0.1। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं, यहां पर इसका फार्मूला होता है 1 बाई थ्री में h बाई थ्री आ जाता है, ठीक। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 1 अपॉन थ्री ये हो गया 1.0 1.027 प्लस, यहां देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.6, फिर 2 टाइम इनको ऐड करके रख लीजिए, यहां पर कितना हो गया ये हो गया 0.0588 0.2, इसको ऐड करिए 2588 हो गया, तो 0.2588। अब इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर देखिए यहां कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, यहां कैलकुलेट कर रहा हूं कितना हो जाएगा 1.027, फिर ये 2.4 नहीं ये आएगा 0.24, उसके देखिए 2816, ये 0.2588 में अपन 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6715 0.5176 5176, इनको देखिए ऐड करिए 6 7 7 14 1 6 7 8 17.1, इसको देखिए 1.7846 आ गया। आप कैलकुलेट करिए इसको कैलकुलेटर से कितनी वैल्यू आएगी, इसको 5.176, तो देखिए इसको सिंपल 1/3 रूल से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.366 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आपने यहां देखा जब हमने सिम्पसन 1/3 रूल लगाया तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एच बाई थ्री वाई जीरो प्लस वाई सिक्स प्लस फोर वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस टू वाई टू प्लस वाई फोर, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब हमने यहां क्या किया, वाई जीरो की वैल्यू पुट कर दी, वाई सिक्स की वैल्यू पुट कर दी और फोर टाइम वाई वन प्लस वाई थ्री, देखिए
4 टाइम y1 प्लस y3 कर दी, ये वैल्यू हम पहले से लिख चुके हैं हम यहाँ पर। अब क्या बचा हमारे पास, y2 और y5 बचा, तो ऑड फंक्शन में हमारे पास ये यहां पर y5 भी आएगा, ये देखिए y5 भी आएगा, y5 की वैल्यू हमने नहीं लिखी यहां पर, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा वो। तो y6 देखिए y2 y6, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन आ गया, ये इवन फंक्शन आ गया, सारी वैल्यू हमारे पास यहां पर ऐड हो गई। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1.366 लगभग ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन से फॉर्मूले से, ये सिम्पसन 1/3 रूल से आ गया। अब इसी सवाल को हम सिम्पसन 3/8 रूल से करेंगे। तो देखिए जब सिम्पसन 3/8 रूल से करेंगे देखिए यही सवाल 0 to 6 dx upon 1 plus x square। अब हम आप किसे कर रहे हैं, सिम्पसन 3/8 रूल से कर रहे हैं। जब सिम्पसन 3/8 रूल से हम कर रहे हैं इसको, तो ध्यान दीजिए हमारे पास इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। देखिए हम यहां पर ये सारी चीजें ऐसी हैं, वी हैव fx equals to 1 upon x square 1 plus x square, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 6 है, here number of the equal interval not given, तो we take n equals to 6 है, 5 है, 7 है, 4 है, कुछ भी हम इंटरवल ले सकते हैं। तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर जो जो वैल्यू दी गई थी, x की जगह यहां पर हमने 0 रखा पहले, फिर x की जगह 1 रखा, 2 रखा, तो सारी वैल्यू हमारे पास उसके अगेंस्ट में आती चली गई। अब देखिए बाय सिम्पसन 3/8 रूल, a टू b fx dx 3h/8 y0 plus y6 plus 3y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus 2y3, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर जो h की वैल्यू है वो हमारे पास यहां हमने डिफाइन की है, 1 है हमारे पास, तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर 3 into 1 upon 8, y0 की वैल्यू देखिए 1.027, फिर 3 टाइम y1, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, y2 की वैल्यू 0.2, y4 की वैल्यू 5.88, y5 की वैल्यू 0.0385, फिर 2 y3, y3 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 0.01। अब आप देखिए 3/8 1.027 प्लस 3, अब इन सबको अपन ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 0.5, 0.2, 0.0588, 0.0385, 379, 0.7, 0.7, और इस पर 3 का मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 3, 9, 1, 2, 27, 9, 27, 2 बचेगा 23, 2.399, और ये 0.2 आ जाएगा, तो ये 0.7973 प्लस 2.01। इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे और 8 से डिवाइड देंगे तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू सिम्पसन 3/8 रूल्स के अनुसार कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 1.3571। तो ये हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यू को हमने सॉल्व किया और इस सिम्पसन 3/8 रूल से हमने देखिए इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल दिया। तो आप देखिए कि हम यहां पर जो भी फार्मूले में y0, y1, y2, y3, y4 जो भी यूज कर रहे हैं केवल एक बार ही यूज करते हैं, सेकंड टाइम हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जो था हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल से किया था, सिम्पसन 1/3 रूल से किया था, सिम्पसन 3/8 रूल से भी किया है हमने इसको। तो
इन सवालों को देखिए, अभी एक सवाल और करवा रहा हूं मैं आपको। देखिए अब अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन टू वन अपॉन एक्स डी एक्स बाय थ्री बाई एट सिम्पसन रूल्स, हेंस ऑब्टेन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ लॉग टू लॉग ई टू। हियर एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू। अब यहां पर भी आप देखिए एन की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको ये नहीं बताया गया है कि इसको आप कितने ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने भी यहां पर मान लिया है वी टेक एन इक्वल टू सिक्स, ये हम सपोज कर लेते हैं। या वी सपोज एन इक्वल टू सिक्स, तो देखिए जैसे एच इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन सिक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स हो गए, तो देखिए यहां पर किस तरह से इसको ये एक्स हो गया, ये एफ एक्स, छह इक्वल पार्ट में बांधना है, मतलब छह इक्वल पार्ट में आपको वो करना है। तो यहां देखिए इसकी पहली वैल्यू वन, सेकेंड वैल्यू वन थ्री फोर फाइव सिक्स, हमने छह इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए जब हमारे पास यहां पर छह इक्वल पार्ट आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री एच की वैल्यू वन बाई सिक्स, वन ये सेवन ले लिया अपन ने, ठीक है, छह इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए x की वैल्यू वन रखेंगे तो वन बाई सिक्स, फिर टू बाई सिक्स, थ्री बाई सिक्स, फोर बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स, सिक्स बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स। हमने ये आपको छह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखिए पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हम अपने लिए यहां पर अपने समझने के लिए y0 इक्वल टू वन अपॉन सिक्स इस तरह से लिख लें, y1 इक्वल टू टू बाई सिक्स इस तरह से, y2 इक्वल टू थ्री बाई सिक्स, y3 इक्वल टू फोर बाई सिक्स, y5 इक्वल टू फाइव बाई सिक्स, y6 इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स, y7 इक्वल टू सेवन बाई सिक्स, इस तरह से लिख लें हम। अब देखिए इसका जो फार्मूला है बाय सिम्पसन थ्री बाय एट रूल्स, तो देखिए इसका जो फार्मूला है हमारे पास, ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू थ्री बाय एच एट वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस थ्री टाइम वाई वन वाई टू वाई फोर वाई फाइव वाई सेवन थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री सॉरी वाई फोर वाई फाइव y7 प्लस टू टाइम्स y2 y3 y3। ये हमारे पास फार्मूला है सिम्पसन थ्री बाई एट एच, थ्री बाई एट का फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए
वाई थ्री, वाई फोर, ये यहाँ पर वाई फोर कर लीजिए, ये वाई फाइव कर लीजिए, ये वाई सिक्स कर लीजिए और यहाँ वाई सेवन नहीं आएगा, ठीक है, एक करेक्शन कर लीजिए। अब देखिए हम इस फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं वन से टू, वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू थ्री, एच की जगह वन बाई सिक्स, वाई जीरो वाई एन, वाई जीरो वाई एन मतलब वाई सिक्स, ये वाई सिक्स आएगा, तो देखिए वन बाई सिक्स प्लस सेवन बाई सिक्स प्लस थ्री टाइम वाई वन, टू बाई सिक्स प्लस थ्री बाई सिक्स, वाई फोर फाइव बाई सिक्स, सिक्स बाय सिक्स प्लस टू वाई थ्री फोर बाई सिक्स। अब देखिए ये हो जाएगा वन बाय सिक्सटीन, सॉल्व करेंगे एट बाय सिक्स प्लस यहाँ देखिए इलेवन, फोर्टीन, फोर्टीन और टू सिक्सटीन, फोर्टी एट बाय सिक्स प्लस एट बाय सिक्स, अब देखिए कितना हो गया सिक्सटी फोर बाय सिक्स, वन बाय सिक्सटीन, इसको सॉल्व करिए फोर बाय सिक्स, फोर्टीन, फोर बाई सिक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट देखिए पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन टू फाइव आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन टू फाइव लगभग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए सवाल में लिखा है Hence obtain the approximation value of log E2, तो इसको मैं अलग से बताता हूं। देखिए we had इसकी वैल्यू आपको निकालना है वन से टू dx, ये कितना हो जाएगा वन से टू log E x और ये वन से टू log E टू माइनस log E1, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, लॉग ई बेस टू, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन टू फाइव समथिंग। आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये चीज हमारे पास जो हमने वैल्यू निकाली है विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन थ्री बाई एट रूल्स ये सेटिस्फाइड हो गई। तो इस तरह से हमको निकालना है। आप ध्यान दीजिए उस समय जब फार्मूला में पढ़ा रहे थे यहाँ 2n लिख दिया, मैंने बताया पिछले पार्ट में बताया कि 2n लिखा है तो हम कहाँ तक जाएंगे y0, y1, y2, y3, डैश 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 y2n तक जाएंगे। अगर यहाँ पर n लिखा है तो हम कहाँ तक जाएंगे y0, y1, y2, y3, y4, डैश 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 yn तक जाएंगे। और ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली और इसको निकाल के हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.693125 अप्रोक्सीमेटली बाय द सिम्पसन 3/8 रूल्स। अब इसको देखिए जब हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू भी उतनी ही आ रही है, मतलब हमारा जो आंसर है करीब सही है, लगभग सही है। तो ये हमारे पास ध्यान देना है कि आपको कभी किसी मैथड से बोला जाएगा और सेकेंड आपसे बोला जाएगा आप चेक करिए बाय द अप्रोक्सीमेशन मेथड, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिम्पसन 3/8 रूल से अपन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आगे भी हम इस तरह के कई प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करवाएंगे। आप देखते जाइए, अपनी क्लास आज यहीं तक है।